हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फ्रिज में लाइट संबंधित प्रॉब्लम को देखा जाएगा। सबसे पहले मैंने सप्लाई दे दिया, कंप्रेसर तो ऑन हो गया, कूलिंग वूलिंग सब हो रहा है, लेकिन लाइट इसका नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने डोर खोला तो लाइट जो दिया हुआ है वहाँ सेंटर में मिडिल में, तो उसको जलना चाहिए। ठीक है, रुक नहीं जल रहा है। मैंने बल्ब भी रिप्लेस करके देख लिया है। ठीक है, हालांकि बल्ब भी खराब था तो मैंने बल्ब रिप्लेस करके देख, नया बल्ब मैंने डाला है, फिर भी ये नहीं ग्लो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ स्विच जो है इसको आप दो बार तीन बार दबा के भी ऐसे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है स्विच में जंग या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाने से नहीं जलता है। ठीक है, तो अभी ये देखने से, ठीक है, कितना भी दबाने से वो नहीं जल रहा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इस पैनल को खोलना है। यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ टॉप पे चार स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट पैनल ऊपर वाला पैनल, इसको भी खोल के हटा के इसको निकालना है। तब आपके पास स्विच के पास दो दो पॉइंट, इसको शॉर्ट करना है। उस दोनों को शॉर्ट करने से जल जाएगा तो समझिए कि आपका स्विच खराब है। देखिए, यहां पे ऐसे देखने से भी आपको लग रहा होगा कि ये जो स्विच दे रखा है इसके पास काफी जंग लग चुका है, यहाँ भी गड़बड़ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पार्क कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट कर रहा हूँ दोनों को। ऐसे आपको क्या करना है, इस दोनों को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने से देखना है कि आपका लाइट जल रहा है कि नहीं। लाइट बिल्कुल जल रहा है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने शॉर्ट यहाँ से हटा दिया। ठीक है, जैसे मैंने फिर से वापस शॉर्ट किया। ठीक है, लाइट जल रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो इस स्विच को बदल देना है, इस स्विच को या तो बदल दीजिए आप। ठीक है, या तो बदल दीजिए या तो इसको क्लीन करके लगाइए। मैं कोशिश करता हूं कि अभी इसको क्लीन करके लगा के दिखाने का। ठीक है, सबसे पहले इसका सप्लाई रिमूव कर लें आप। सप्लाई रिमूव करने के बाद ये दोनों वायर हैं, इसको रिमूव कर लें। ठीक है, उसके बाद इधर से आप पुश कर सकते हैं। ठीक है, इसको दबाते हुए, दो देखिए इधर है और एक इस साइड है, इस दोनों को हल्का हल्का दबाते हुए ऊपर से आप पुश करिए, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये जो दो वायर है इसी दोनों को आप शॉर्ट करके देखेंगे तो उधर आपको लाइट जलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी इस स्विच जो है इसको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, इसको खोल के कैसे क्लीन करें। मार्केट से आप नया डाल दीजिए अगर आपके पास समय का अभाव है तो। ठीक है, अदरवाइज इसको आप क्लीन करके लगाइए, बिल्कुल काम करेगा और अच्छा दिन चलेगा। सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा दीजिए। अब इसके बाद दोनों लेग को टच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए, दबने से कट जाता है, ऑन कर छोड़ने से ये ऑन हो जाता है, तो बीप साउंड आना चाहिए जो कि नहीं आ रही, इसके कारण बल्ब नहीं जल रहा था आपका। ठीक है, अगर मल्टीमीटर चलाना जानना है आपको, ऑपरेट करना जानना है, तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। आपको सारे बेसिक नॉलेज जितने भी है सब आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको खोलने के लिए देखिए गौर से, ये ऊपर उठ रहा है और ये भी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, ये जो लॉक है इसको रोके हुआ है, तो आपको यहाँ से उठा देना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से और उसी तरह इसको यहाँ से। ठीक है, देखिए लाइन से ये खुल गया। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कितना डस्क है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कार्बन नहीं हुआ है, ज्यादातर ये डस्क की वजह से ही काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, अब रह गया ये पत्ती, ये भी आप देख लीजिए, ज़्यादा बिल्कुल कार्बन नहीं है, डस्क जो था ये इसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर भी अगर हल्का सा दिख रहा है आपको तो इसको हल्का सा क्लीन कर सकते हैं आप। जब ये पत्ती आपको लगे कि क्लीन हो गया, ये पॉइंट पे जरूर घर से आप यहाँ क्लीन करें, उसके बाद ये अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये भी क्लीन करना है आपको, क्योंकि यही दोनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं। अंदर का पूरा डस्क आप निकाल दें, ठीक है ना, वरना ये सब डस्क फिर बाद में खराब करेगा। जब आपको लगे कि ये पूरा क्लीन हो गया है, ठीक है, तो
फिर आपको अच्छे से फिर असेंबल करना है, और असेंबल करने के समय बिल्कुल सावधानी बरतना है ताकि आपका स्प्रिंग खो ना जाए। जितना अच्छा से आप क्लीन करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपका स्विच काम करेगा, ठीक है। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाए तो सबसे पहले आपको स्प्रिंग लगा देना है इसमें अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये पत्ती को लगाते समय एकदम ध्यान देना है कि गलती से आपका पत्ती अगर छटक जाएगा तो खो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको दबाते हुए देखिए ये पत्ती इसी तरह अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाके ये दोनों पॉइंट जो है उसमें लॉक हो जाएगा, अभी आपको अच्छा से दिख जाएगा। देखिए इस तरह पहले एक को तिरछा लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर दबा लीजिए आप ताकि जो छटकने का चांसेस है वो ख़त्म हो जाए। फिर यहाँ पे ट्वीजर या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का चिमटी हो आपके पास, प्लकर हो, उसके हेल्प से आपको ऐसे यहाँ लॉक करना है। एक पॉइंट को आप ज़्यादा दबाइए तब जाकर दूसरा जो है वो सही से आएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से ये बंद हो गया, ठीक है, दिख पा रहा होगा आपको। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा इसको और थोड़ा सा इधर दबा सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा इधर दबा सकते हैं, हल्का हल्का ही, ठीक है। अब मैं इसको फिर आपको देखिए ये जो है आप इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से फिर कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे ही लाना धीरे धीरे, ये खुद लॉक हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक लेग पे यहाँ इसको भी क्लीन कर लिया जाएगा, ठीक है। टच करते ही आपको कंडक्टिविटी मिलने लगा जो कि पहले नहीं मिला था, जैसे ये बंद दबेगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है, छोड़ते ही फिर से कंडक्टिविटी मिलने लगा। तो आपका ये स्विच बिल्कुल सही हो चुका है, अब फिर से आपको इसे लगा देना है, ठीक है। लगाने से पहले आप ये सब पॉइंट को भी थोड़ा थोड़ा और क्लीन कर लें, ठीक है। हल्का सा क्लीन है किया गया है लेकिन थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आप कर लें, ठीक है। अब फिर आपको लगा के मैं दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, इस तरह आपको लगाना है। ये जो है ये पॉइंट जो लॉक और पॉइंट जो है वो लेफ्ट राइट ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डालिए, यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस ऐसे दबा देना है, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, किसी में भी आप इसको इसमें या इसको इसमें किसी में लगा देंगे आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो मैं आप सप्लाई देके एक बार टेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए आपका लाइट जो है ग्लो करने लगा है, ठीक है। जैसे आप गेट बंद करेंगे, ठीक है, तो ये जो है मैं दबा रहा हूँ, जैसे दबेगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, और जैसे छोड़ेंगे तो फिर से ये जलने लगेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो ज़रूर भेजें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।